शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कार्यक्रम एस्ट्रो टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा वासुकी काल सर्प दोष के बारे में। वासुकी जो नाग होता है उससे यह काल सर्प दोष निर्मित होता है। मैंने अपने पिछले एपिसोड में दो काल सर्प दोष के बारे में बताया है। 12 तरह के काल सर्प दोष होते हैं और 12 काल सर्प जो अलग अलग होते हैं उनके अलग अलग उपाय करना चाहिए, यह भी मैं आपको बता चुका हूं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म पत्री में वासुकी नाग का काल सर्प दोष उस स्थिति में बनता है जब राहु पराक्रम एवं भ्रात स्थान यानी तीसरे घर में होता है और केतु पिता एवं भाग्य स्थान यानी नवम भाव में विराजमान होता है। इन दोनों ग्रहों की इस स्थिति में जब सूर्य से लेकर शनि तक सभी 7 ग्रह जो होते हैं वो एक गोलार्ध में आ जाते हैं, यानी राहु और केतु के बीच आ जाते हैं, तब कुंडली में वासुकी काल सर्प दोष का प्रभाव माना जाता है। वासुकी काल सर्प दोष से बचने के लिए बहुत सटीक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, बहुत साधारण उपाय है। रात्रि में जो बाजरा होता है उसे आप सिरहाने रखिए और प्रातः काल पक्षियों को डालें, आप देखेंगे इस काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। नाग पंचमी के दिन लाल धागे में 3 या 8 या 9 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर लीजिए, इस काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। और प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, फिर देखें कि इस काल सर्प दोष से आपको निश्चित तौर पर मुक्ति मिलेगी। क्योंकि यह काल सर्प दोष बहुत खराब होता है, जीवन को बर्बाद कर देता है, जीवन में तनाव उत्पन्न करता है, स्वास्थ्य को खराब करता है। और यदि आपको बहुत बढ़िया से अपना जीवन जीना है तो इन उपाय को करिए, आपको लाभ होगा। अगले दिन क्रम में जो चौथा काल सर्प योग है उसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। देखते रहिए कार्यक्रम एस्ट्रो टिप्स। इफ यू एंजॉयड वाचिंग आवर वीडियोस डू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल।